अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की क्लास में जो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 18th पार्ट। प्रीवियस क्लास में 17th पार्ट समझा था, उसी बेसिस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, रेडी है समझने के लिए? तो फुली कंसंट्रेशन से रहे, रेडी, ताकि हर चीज समझ पाए। कंसंट्रेशन से समझना है, सही। 18 का मान टेंजेंट पावर 5x, प्रीवियस क्लास में क्या था? पावर 4 था, इवन पावर था। आज की क्लास में क्या है? 5 ऑड पावर। तो ये देखें कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन सही, टेंजेंट पावर 5x एंड dx, सही है बेटा, क्लियर। अब क्या करना है? टेंजेंट पावर 5x एंड dx है, देखते हैं क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए कैसे इसको ब्रेकअप कर रहे हैं, गौर से समझना है आप लोगों को। टेंजेंट पावर 5 है, टेंजेंट पावर 3x इंटू टेंजेंट पावर 2x एंड dx, सॉरी पावर 3 एंड पावर 2 में ब्रेकआउट किया, बेस 7 और प्लस करेंगे 7x 5। ठीक है बेटा, अब इसके हिसाब से ब्रेकअप करने का रीजन ये है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। फ्रॉम दिस आइडेंटिटी टेंजेंट स्क्वायर x को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, 1 प्लस का साइड हो गया माइनस, सही है। अब देखें टेंजेंट पावर 3x अपनी जगह पे रहेगा, टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पे इस आइडेंटिटी के हिसाब से जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई, क्लियर बेटा। अब देखें, अब ये टेंजेंट पावर 3x को दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो गया, टेंजेंट पावर 3x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, tangent power 3x bracket over n dx, clear है बेटा, दो terms हो चुके, integrate करना, separately perform करेंगे, into sec square x and dx, minus second term tangent power 3x into dx, समझ में आई है? ठीक, तो इसको यहाँ पर lock कर रहे हैं, equation number 1 का नाम दे, सही है? अब देखिए ये जो तो दोनों टर्म्स टेंजेंट पावर 3 एंड sec स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रल पे, सही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो लेट सपोज मैं कह रहा हूं p इक्वल टू टेंजेंट x, टेंजेंट को सपोज ले लिया, अब टेंजेंट की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, सही है। टेंजेंट को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा समझते, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, ओके बेटा दोनों साइड पे। अब ये डी पी बाय डी एक्स टेंजेंट की जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर एक्स, इसके साथ sec स्क्वायर एक्स ही चाहिए था, मिल चुका है। तो dp is equal to sec square x into dx divided by sin पे चला गया multiply में, आई बात समझ में, सही है। अब क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 को टेक आउट करते हैं। तो देखें now from equation number 1 we get, देखते हैं क्वेश्चन 1 से क्या मिलता है। तो पहले क्वेश्चन 1 जो भी है लिखेंगे, टेंजेंट पावर 3x इनटू sec स्क्वायर x एंड dx, माइनस टेंजेंट पावर 3x dx के साथ इंटीग्रल फॉर्म में है, टेंजेंट पावर 3x एंड dx, ओके बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन 1 लिखी। अब देखते जाइए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट पावर 3x, तो टेंजेंट को सपोज दिया हुआ p के, चलो आ गया p, पावर 3 तो इसमें पावर 3, sec square x into dx, तो sec square into dx आपके सामने मौजूद है, dp रिड्यूस होगा। अब tangent power 3x को इंटीग्रेट करना है, तो tangent power 3x को tangent square x into tangent x लिख सकते हैं,
सही है, टूटा। अब क्या करेंगे देखते जाइए। p पावर 3 को डिवाइड करके इस पावर में 1 प्लस हुआ, जैसे सेम ऐसे डिवाइड आ गया। टेंजेंट स्क्वायर x की ब्रेकअप करने का रीजन ये है, टेंजेंट स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस आइडेंटिटी, तो ये होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर x रिप्लेस हुआ इनटू ये टेंजेंट x एंड dx है। ओके बेटा क्लियर ये स्टेप। p पावर 3 प्लस 1 मींस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x टेंजेंट x जो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टेंजेंट x सही माइनस साइन सेम ये टेंजेंट x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ टेंजेंट x ब्रैकेट ओवर। ओके बच्चों क्लियर है यहां तक, सो अब देखते जाएगा क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आइए यहां से स्टार्ट करते हैं साइड पे। पी सपोज वेरिएबल वापस रिप्लेस होगा, पी की जगह पे टेंजेंट एक्स आ चुका है क्योंकि पी को टेंजेंट के इक्वल सपोज किया था, पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि पी पे पावर 4 है। अब ये दो डिफरेंट टर्म्स है दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, चलो ठीक है। माइनस sec स्क्वायर x इनटू टेंजेंट x, और टेंजेंट x पहले आ चुका है इनटू sec स्क्वायर x dx, जस्ट रीअरेंज कर रहा हूं ठीक है बेटा। माइनस साइन यहां पर माइनस है तो साइन हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन सम माइनस टू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन किसकी करनी है टेंजेंट x की dx के हिसाब से। ओके सो अब देखते जाइएगा क्या हो रहा है। सो अब देखें टेंजेंट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 है। अब ये जो टर्म है टेंजेंट x इनटू sec स्क्वायर x, इसको सब्स्टिट्यूशन है सब से हिसाब से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ परफॉर्म किया आपके सामने। तो टेंजेंट को सपोज किया हुआ किसके इक्वल p के इक्वल लिया हुआ है, तो टेंजेंट की जगह पे लिखूंगा मैं p sec स्क्वायर x इनटू dx, ये फैक्टर जो है sec स्क्वायर x इनटू dx की जगह पे आ गया dp। आने बात समझ में ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सपोज ले चुके हैं तो अगेन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा टेंजेंट x की इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ सिंपल टर्म है sec x, लॉगरिथम ऑफ sec x इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। ओके बेटा क्लियर, गौर से समझिए ताकि अच्छी समझ में आ जाए। ओके इज इक्वल टू टेंजेंट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 p की इंटीग्रेशन b में पावर कुछ भी नहीं मींस 1 प्लस 1 sin पावर डिवाइड में लॉगरिथम ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब लिख रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके क्लियर, आप देखें नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 p पावर 1 प्लस 1 मींस 2 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर ये स्टेप। अब फाइनली फर्स्ट टर्म सेम, p सपोज्ड वेरिएबल वापस रिप्लेस करेंगे सपोज टेंजेंट x के पावर 2 तो सेम पावर आ चुका है एंड रिमेनिंग टर्म्स रिमेन सेम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके बच्चों आई बात समझ में सही है ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कितना छोड़ रहा था, एक ही टर्म था, उसको कैसे हमने ब्रेकआउट किया, तो हर टर्म स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन समझना है, कान खोल के एंड देन प्रैक्टिस करनी है ताकि हर चीज समझ जाए। ओके बच्चों क्लियर है, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।